आज अपन करने वाले हैं ऑफ रोडिंग, और भाई ऐसी ऑफ रोडिंग करेंगे ना, ये जो करोड़ों की गाड़ियां आती है ना, 2 करोड़ की 4 करोड़ की, भाई इन सारी गाड़ियों का पसीना निकल जाएगा, इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग करेंगे। थोड़ा सा आप लोग देख लो किस इम्पॉसिबल लेवल की अपन लोग ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। भाई आज ये महंगी महंगी गाड़ियां मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। हाँ मैं कह रहा था चलो फिर स्टार्ट करते वीडियो, बस मैं वॉशरूम से आ जाऊँ। नहीं, आप सबसे निवेदन है कि एक बार ध्यान से इस रोड को देख लो, ये कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मतलब ये समझ जाओ कि आज भाई रियल ऑफ रोडिंग होने वाली है। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग अपनी अपनी फेवरेट कार पिक कर लो। सबसे पहले अपने पास है डिफेंडर, फिर है जी वैगन, फिर है टेस्ला। मुझे नहीं लगता इसको भी पिक करने वाला, बट स्टिल मैंने रखा है। बट हाँ, और लास्ट में है नई वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर। आप लोग अपनी फेवरेट गाड़ी पिक कर लो। चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला, तो एक खतरनाक गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। हांजी, लैंड रोवर डिफेंडर से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं अभी आप लोगों को बता दूं, पहले चैलेंज की विनर रह चुकी है ये गाड़ी, तो देखते हैं भाई अपना विनर कैसा परफॉर्म करता है। वैसे हाँ भाई, पहला चैलेंज जो था ना, वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये वाला बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, बट देखते हैं भाई। आप लोगों को अभी ही समझ आ गया होगा कितना मुश्किल है ये रोड तो बोलूंगा ही नहीं भाई मैं इसको। देखो, एक गलत मूव और गाड़ी सीधा इस खाई में नीचे जाएगी। कम ऑन डिफेंडर, बेइज्जती नहीं करानी, टाटा का लोहा है, 10 बार बोल चुका हूँ मैं ये बात को। भाई पूरा धूल हो गया। पता है इस वाली ट्रेन में ना गाड़ी की हर चीज टेस्ट होने वाली है, उसका सस्पेंशन, हर चीज। भाई ये देखो, हमें यहाँ ऊपर जाना है, तुम लोग देख रहे हो। मुझे ये भी नहीं पता है गाड़ी चढ़ पाएगी कि नहीं इतना ऊंचा। चलो देखते हैं, वैसे अगर ये नहीं चढ़ पाएगी तो कोई और गाड़ी चढ़ेगी, और जो चढ़ेगी वो विनर बनेगा। ठीक है, लेट्स गो। फुल एक्सेलरेटर, मैंने पूरा एक्सेलरेटर दे रखा है और गाड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है भाई। कम ऑन डिफेंडर, नहीं यार, कम ऑन डिफेंडर। भाई बहुत क्रेजी स्ट्रगल हो रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा डिफेंडर कर पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा एक बार पीछे लेता हूँ और थोड़ा स्पीड में ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे तो यार इससे भी ज्यादा मुश्किल चीजें आने वाली है। अगर यहाँ नहीं कर पा रही तो आगे कैसे करेगी, लिटरली स्ट्रगल कर रही है यार। कम ऑन डिफेंडर, लेट्स गो। कम ऑन, ऑलमोस्ट, नाइस। सच बताऊ ना भाई, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, बहुत मुश्किल से हुआ ही है। ठीक है, अब हमें इसके बीच में से निकलना है भाई। ये भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि डिफेंडर ऑब्वियसली बहुत बड़ी गाड़ी है। मैं चाह रहा हूँ बिना टकराए निकल जाए। यस, मैंने निकाल लिया। ओके भाई, क्या भाई, हेलो, कितना डाउन हिल है ये, ऐसी तैसी होने वाली मेरी गाड़ियों की आज। ओके, मैंने फुल ब्रेक दबा रखा भाई, ये धूल से कुछ नहीं दिख रहा मुझे यार, ये इतनी रियलिस्टिक धूल क्यों है भाई। अब हमें इधर जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है। ओके भाई, ये क्या रोड है भाई, इसमें गाड़ी सीधी कैसे चलेगी भाई। ये वाली रोड पे ना गाड़ी पलटने का डर लग रहा है मुझे, लिटरली। कम ऑन डिफेंडर, कम ऑन, पलटना नहीं, नहीं। ओके, लेट्स गो, नाइस। भाई बहुत मुश्किल है ये, लाइक सीरियसली, मैं चला रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है डिफेंडर जैसी गाड़ी के लिए मुश्किल है। अरे नहीं, उधर मत चले जा भाई। इस गाड़ी में कितना भी लोड पड़ रहा है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुमको, जो कि मुझे फील हो रहा है खेलते टाइम। भाई ये ब्रिज छोटा तो नहीं है ना, ना निकल जाएंगे, इजी है। और अब मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल पार्ट आने वाला है भाई, वहां ऊपर जाना है हमको। भाई दुआ करो भगवान से कि जैसे तैसे मैं इस गाड़ी को ऊपर तक लेके जा पाऊँ। लेट्स गो भाई, पूरा ट्राई करता हूँ मैं। एक्चुअली जगह बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। कम ऑन डिफेंडर, फुल पावर, आराम से, बस यहाँ पे आके रुक जाओ, आराम से। ठीक है, ओके, हम रुक चुके हैं। अब मुझे लिटरली एकदम सीधी चढ़ाई चढ़ना है। फुल एक्सेलरेटर, लेट्स गो डिफेंडर, कम ऑन, पावर लॉस नहीं यार, ये एक्चुअली पावर लॉस हो रहा है इसका बीच बीच में। लाइक वो इतना ऊंचा है ना कि गाड़ी ऊपर आके पावर लॉस हो जाता है, बेसिकली इसका इंजन रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। मुझे सच में यहाँ से जाना है तो भाई, हेलो, इतना नीचे है क्या? ओके, आराम से ठुकना नहीं जाके भाई। ठीक है, नाइस भाई, मेरा बम्पर डैमेज हो गया रे, अब जाके हुआ वैसे बम्पर डैमेज, मतलब इतना आगे बढ़ गया मैं। ओके, टकराना नहीं अभी तो, और मुश्किल चीजें बची है। ओके, नाइस। और है, कैसी खड़ी हो गई ऊपर से। ओए, गिरना नहीं, पीछे ले, नाइस। भाई, ओके, लेट्स गो। इशरे, मेरा इंजन डैमेज हुआ भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर इंजन डैमेज हुआ तो। भाई पत्थर पड़े रोड में लिटर, अबे हेलो भाई, यहाँ तो फत्तर ही है, यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब मेरे को लग रहा है फंस गया आके भाई, अभी यहीं से निकलना है ना फत्तरों के ऊपर से। भाई ये क्या रोड बनाई है जिसने भी बनाई है।
ओके ऑब्वियसली गाड़ी अटकेगी जो कि बहुत ऊंचा पत्थर है वो सामने। मुझे स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी भाई। ओके 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 भाई क्या हाल हो रहा होगा मेरी गाड़ी का। एक तो ये इतनी ज्यादा धूल उड़ा रहा है ना गेम, पूरे मुंह पे भर दिया पूरी धूल। ओके नाइस डिफेंडर भाई, अच्छा कर रही है डिफेंडर वैसे अभी तक, है ना। नाइस नाइस, बस अटके ना कहीं पे भी। ओए ओए ओए, ओए नहीं 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 नहीं, हाँ नाइस, मुझे लगा पलट जाएगी। नाइस डिफेंडर, लेट्स गो डिफेंडर। ओए भाई बहुत अल्टीमेट स्ट्रगल बोलूंगा मैं इसको। नाइस हेलो, हमें कहाँ जाना है अभी? ओके हमें इधर जाना है, कम ऑन कम ऑन। फुल 4x4 लगा हुआ है गाइस, चारों पहिए फुल स्पीड में घूम रहे हैं। ओए अब मुझे लग रहा है कुछ तो खराब हुआ है गाड़ी का। देखो बम्पर तो गया, क्लियरली समझ आ रहा है, बट चल रही है गाड़ी। ओके पीछे का बम्पर भी गया, और अरे नहीं भाई इंजन डैमेज, सीधी हो जा बस। नहीं मैं इतना आगे आगे आता भाई, सीधी होगी क्या? क्या मैं सीधी कर सकता हूँ इसको? कम ऑन प्लीज, अगर कर सकता हूँ तो मैं ले जाऊंगा इसको एंड तक, कम ऑन। ओके नाइस भाई साहब, हमने एक पलटी हुई गाड़ी को सीधा कर लिया। कम ऑन डिफेंडर, अभी भी बहुत जान है भाई, पूरी टूट चुकी है, इंजन डैमेज है, बट यार आई थिंक इंजन डैमेज इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, बट कोशिश तो मैं करते रहूंगा भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम पीछे से पिकअप लेते हैं, कोई बात नहीं, हम यहां से आएंगे फुल स्पीड में। लेट्स गो डिफेंडर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे नहीं नहीं पलटना नहीं पलटना, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मुश्किल से सीधी हुई थी यार। नहीं 5 minutes later. सच बोलूंगा मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ इसको निकालने का, बट इसका इंजन ओवरहीट हो चुका है और ये अब नहीं निकल पा रही है। तो हाँ भाई, डिफेंडर का सफर यहीं तक था, बुरा लगा कहने में, बट यार क्या कर सकते हैं। मजा आ रही वीडियो में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। बिना थोड़ा भी टाइम गवाए लेके आते हैं दूसरी गाड़ी, तो लेट्स गो गाइस। अपने पास है भाई मर्सिडीज एएमजी जी वैगन। इस गाड़ी में पावर तो बहुत ज्यादा है, बट यार इस वाले चैलेंज को करने के लिए सिर्फ पावर जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। ओके देखो डिफेंडर से तो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इस पे पावर ज्यादा है ऑब्वियसली, लाइक टू मच पावर है इस पे, बट ये टू मच पावर ना इसके लिए दिक्कत भी है, क्योंकि तुम्हें पता है जब ज्यादा पावर होती है ना गाड़ी में तो वो कंट्रोल नहीं होती, तो हाँ ये चीज इसके लिए दिक्कत हो सकती है, बट देखते हैं मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। आराम से भाई, कूद कूद के मत चलो, आगे बहुत खतरनाक ट्रेन्स हैं अभी। यार मुझे अभी भी डिफेंडर के लिए बुरा लग रहा है यार, बट कोई बात नहीं यार, होता है। चलो हमारी पहली सबसे ऊंची चढ़ान आ चुकी है, देखते हैं भाई। एक तो इस गेम में जो धूल का सिस्टम है ना भाई, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, वे लिटरली कैमरे में घुस जाता है पूरा। ओके यहाँ पे डिफेंडर स्ट्रगल कर रही थी और एएमजी भी स्ट्रगल कर रही है ऑब्वियसली। पता है इस पे पावर इतनी ज्यादा ना कि भाई टायर इसका जगह पे घूम जाता है, लाइक तुम लोग खुद देखो भाई, टू मच पावर है, टायर वही वही घूम जाता है भाई, ये देखो सी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, इस पे ना एक अच्छा सा ट्रैक्शन कंट्रोल होना था भाई। यहाँ पे पलटना नहीं 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 एएमजी नहीं नहीं भाई, तुम राउंड से बाहर हो जाओगे अगर स्टार्टिंग में। भाई क्या कर रही है गाड़ी, लो भाई एएमजी का कचरा बहुत स्टार्टिंग में बन चुका है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। पर ठीक है, जो इसकी हालत है मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि तो अब वो खुद ही गिरी है, तो मैं नहीं वापस से इसको रिस्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। लेट्स गो कम ऑन भाई, यहां से निकल जाए यार, एक ही जगह मत अटकी रहे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं फुल एक्सीलेटर दे के रखा हूं भाई, इसके बहुत बाउंसी सस्पेंशन है पता है, लाइक सी। वाह 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 एएमजी वाह, मैं क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं। आई नो इस गाड़ी में बहुत ज्यादा पावर है, बट इतनी पावर क्या फायदे की भाई, तुम में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे सस्पेंशन इतने ज्यादा बाउंसी है कि वो गाड़ी को लिटरली लिफ्ट कर देते हैं जैसी रोड पे, वो थोड़े इम्पैक्ट। ये देखो 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 सी, ऐसे नहीं चढ़ सकती भाई, इस चैलेंज के लिए परफेक्ट ऑफ रोड। ये देखो वाह भाई, ऐसे क्या चैलेंज करूंगा मैं, मुझे दिल से बहुत पसंद है जी वैगन, बट ये जो ऑफ रोड वाली है ना, ये बड़े टायर वाली ओवर पावर्ड वाली भाई, ये पसंद नहीं आ रही मुझे। मॉडिफाइड जी वैगन नहीं चाहिए हमको, चाहिए स्टॉक जी वैगन, तो अपन लेके आ चुके हैं एकदम स्टॉक जी वैगन जैसी मर्सिडीज बनाती है, तो देखते हैं भाई ये कितना आगे जा पाती है। लकीली इस गाड़ी में उतनी ज्यादा क्रेजी पावर नहीं है, और बेस्ट पार्ट इसके सस्पेंशन उतने बाउंसी भी नहीं है, बट हाँ यार दिक्कत यही है कि एकदम स्टॉक कंडीशन में है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, जो कि मुझे लग रहा है आना स्टार्ट हो चुकी है। ये 4x4 वाले मोड में है, चारों टायर इसके वर्क कर रहे हैं, बट ना भाई मुझे नहीं लग रहा है यहां से निकल पाएगी, मैं कोशिश कर लेता हूँ ऑब्वियसली। नाइस
वाओ वाओ, ज्यादा मैंने कोशिश करी तो लिटरली इसका एक टायर निकल चुका है। मुझे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा, बट मुझे बोलना पड़ेगा कि अपनी मर्सिडीज एएमजी जी वैगन का सफर यहीं तक था, वो डिफेंडर के आसपास भी नहीं आ पाई है। ये चैलेंज कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया क्या? अब वो गाड़ी जिसको कोई पसंद नहीं करता इंक्लूडिंग मी, अपन लेके आ चुके हैं साइबर ट्रक, या फिर मैं बोलूं टेस्ला साइबर ट्रक, बट देखते भाई कितना आगे जाता है। यार मेरे हिसाब से अपनी मर्सिडीज के आगे तो जा ही पाएगा। ये रही भाई, इसका इंजन भी चालू है बट ऐसा लग रहा है लास्ट जैसी पड़ी हुई है, बट कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं और कोशिश करते हैं डिफेंडर तक पहुंचने की। और ये यही अटक चुका है भाई, मैंने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है, इसके टायर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, ऐसा कितना भारी है कि इतने से भी नहीं चढ़ पा रहा। वह भाई कम ऑन यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है चैलेंज, ले पीछे लेके कर लूँ मैं भाई, ये बहुत डिसअपॉइंट करने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके चल, बढ़िया बढ़िया, नाइस 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 नाइस। मैं अभी कह रहा हूँ भाई, इससे कोई उम्मीद मत रखना तुम थोड़ी सी भी नहीं, कहीं तुम लोग वहम में हो कि हम साइबर ट्रक को सपोर्ट कर रहे हैं। ओ भाई भाई भाई, बहुत डैमेज हो गया है ये, पहले ही इम्पैक्ट से इनका बम्पर बोनट विंडशील्ड सब टूट चुका है भाई, ये क्या करेगा भाई, चैलेंज के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, हमारे ही सबसे लाइक तुम बोल सकते हो ऊंची पहाड़ी आ चुकी है और मुझे पता ही नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे से ट्राई ले रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो, इतना पीछे से लिया, कम ऑन चढ़ जाना, बेइज्जती मत कर रही हो, लेट्स गो साइबर ट्रक, कम ऑन कम ऑन। हक दिया है इसने, मैंने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है बट ये नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि इस पे इनफ पावर नहीं है। पता है जनरली मैं कितना ही कोशिश कर लूँ भाई, रुको मैं तुम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ से कोशिश करता हूँ। ठीक है, मतलब पूरा पीछे आता हूँ फिर आगे जाता हूँ, तुम लोगों को समझ आएगा इसमें कितनी कम पावर है। ठीक है, मैंने पूरा एक्सीलेटर दिया, आप देखो, तुम लोग खुद देखना, फुल एक्सीलेटर अभी भी है, एक्सीलेटर कम नहीं हो रहा है, बट ये नहीं चढ़ पाएगा। कम ऑन, मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि अमन तेरी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पूरी मोहब्बत से चढ़ा रहा था इसको, ये खुद ही आके पलटा है, इसने खुद आत्महत्या की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं जज साहब, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर। यार मजाक मस्ती बहुत हो गई, सच बताओ मुझे साइबर ट्रक से चैलेंज करना भी नहीं था, मैं चाहता हूँ कोई इंजन वाली गाड़ी इस चैलेंज को पूरा कर। मुझे बहुत उम्मीद है वैसे इस गाड़ी से, बट इसकी ना एक्चुअली हाइट बहुत ज्यादा है यार, एक्चुअली है ना वो चीज हो सकता है दिक्कत हो, मर्सिडीज की तो हर बंदा बेइज्जती करते हुए जा रहा है अभी। इसके आगे तो साइबर ट्रक निकल गया था भाई, कम ऑन टोयोटा कम ऑन। वैसे टोयोटा है भाई, कुछ कह नहीं सकते मुझे। अच्छा एक बात और मुझे आप लोगों से पूछना था, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पिकअप ट्रक्स लेके आऊं, जैसे टोयोटा हाइलक्स हो गया और ये जो रिवियन R1 आते हैं इन टाइप के, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं जरूर लेके आऊंगा, मुझे भी लाइक चलाने पिकअप ट्रक्स ऑफ रोड ट्रेन्स में। लेट्स गो, पहला हमारा पहाड़ आ चुका और यहीं से मुझे समझ आ जाएगा कि गाड़ी कितना केपेबल है, अगर एक बार में चढ़ गई ना तो मैं मान लूंगा भाई यही गाड़ी जीतने वाली है, जो कि मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्ट्रगल तो ये गाड़ी कर रही है भाई, कूद रही है, स्ट्रगल नहीं कर रही है, देखो यार कम ऑन यार, इतना मुश्किल भी नहीं है कोई गाड़ी ने कर पाया, डिफेंडर को सोचो भाई, वो गाड़ी कितना आगे जाके अटकी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन टोयोटा कम ऑन, तुमसे बहुत उम्मीद लगा के आया हूं मैं भाई, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारा नाम लिया, कम ऑन चढ़ जाएगी चढ़ जाएगी चढ़ जाएगी गाइस, है इंजन में पावर, ऐसा नहीं है, कम ऑन कम ऑन, नाइस नाइस, यहीं पे इतनी मुश्किल आई है इसको तो भाई। वैसे टोयोटा है, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं यार, मतलब मैंने देखा यार, पता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में टोयोटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा रिलायबल होती है, लाइक उनको तुम कुछ भी कर लो भाई वो चलना बंद नहीं करती है, लाइक तुम्हें भी पता होगा वो चीज, तो हाँ टोयोटा है तो मुझे ट्रस्ट है, बट देखते हैं। वैसे ये जो आगे चीज आई है बहुत खतरनाक है यार, इसमें गाड़ी पलटने के चांसेस रहते हैं, कम ऑन टोयोटा कम ऑन लैंड क्रूजर। ओके नाइस नाइस भाई, बहुत ही अच्छे से ये हैंडल कर रही है पता है सिचुएशंस को यार, मतलब मैं टोयोटा चला रहा हूं मुझे फील हो रही है वो चीज एक्चुअली। चलो अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, तो देखते हैं भाई क्या रहती है कहानी। नाइस यार, कंट्रोल्ड है पता है ये गाड़ी भाई, जेन्युइनली यार मुझे फील हो रहा है चलाते टाइम, ये बहुत कंट्रोल वे में चल रही है। अगर मैं कंपेयर करूं मर्सिडीज जी वैगन से, अंधी पावर है उस गाड़ी में बट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, और ये गाड़ी बहुत कंट्रोल्ड है। हाँ डिफेंडर भी है नो डाउट, वो भी बढ़िया कंट्रोल होती है, बट इसकी और ज्यादा अच्छी कंट्रोलिंग है आराम से। हाँ भाई ये वो जगह है जहाँ पे डिफेंडर ने अपना बम्पर खोया था, तो देखते हैं भाई क्या हाल होता है अपनी लैंड क्रूजर का। और नहीं 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 पलटना नहीं, पलटना नहीं, नहीं 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 लैंड क्रूजर नहीं नहीं भाई भाई नहीं, प्लीज प्लीज मत करो भाई, बहुत बुरा लग रहा है, मैं गाड़ी को बहुत आगे तक लेके आ गया, मत आराम से आराम से आराम से। ये क्या हो रहा है यार, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ इसको यहाँ से निकालने की।
देखो लकीली गाड़ी अभी भी चल रही है, विच इज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग, और अगर हम ऊपर तक चढ़ पाए तो हम चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है यार। एक बात है, इस गाड़ी का इंजन डैमेज नहीं हुआ है, बाकी सब चीज डैमेज हो गई है इंजन छोड़ के। तो हाँ, हम वापस से आ चुके हैं। ओके, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो गया मेरे लिए, मैंने नहीं सोचा था। अगर तुम लोग, मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग ये चीज नोटिस करी, ये गाड़ी इतनी ज्यादा टूटने के बाद भी अभी भी ट्रैक पे है, तो मतलब यार टोयोटा में कुछ तो बात है भाई। मतलब यार टोयोटा हल्के में लेने की चीज नहीं है, देख रहे हो पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है गाड़ी की, डिक्की विक्की लाइक इसकी चैसी वगैरह, हाँ चैसी उतनी डैमेज नहीं हुई, बट हाँ ओवरऑल जो एस्थेटिक्स होते हैं गाड़ी के सारे खराब हो चुके हैं। अब बहुत खतरनाक चीज आ चुकी है। नाइस यार, यहाँ पे इंजन डैमेज होने के चांसेस, और अगर इंजन डैमेज हुआ तो हम रेस से बाहर हो जाएंगे, जो कि अभी तो सिर्फ बॉडी डैमेज हुई है, पर बॉडी का उतना मैटर नहीं करता है इस चैलेंज में। इस खराब बॉडी के साथ भी हमारी लैंड क्रूजर चल रही है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था रिलायबिलिटी आप लोग खुद देख सकते हो, इतनी रिलायबल कार भाई, पूरी टूट चुकी है बट चल रही है, साइड मिरर भी जा चुके हैं यार, एक साइड मिरर अभी भी है लेफ्ट साइड का। ओके, हमने यही कहीं डिफेंडर खोई थी ना अगर मैं सही नहीं हूं तो। अभी अटक क्यों गई यहाँ पे, क्या टकरा रहा है इसका? अच्छा एक्चुअली रोड थोड़ी सी पैनी है वहां पे। ओके कोई बात नहीं। ओए क्या हुआ भाई, हेडलाइट गए ना? मैंने तोड़ दिया हेडलाइट, मुझे समझ आ रही है वो चीज। हेडलाइट तो ठीक है, टायर टकराया गया, टायर टूट जाएगा या फिर अलाइनमेंट खराब हो जाएगी गाड़ी की। मुझे डिफेंडर क्यों नहीं दिख रही है भाई, हम गलत रोड तो नहीं आ गए? यार रोड तो वही है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है हम गलत रोड आ गए। वैसे हर रोड एक ही जगह जाएगी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रोड नहीं दिख रही है तो वो रोड भी वहीं जाके मिलेगी। अरे कैसी बात कर रहा हूँ मैं, ये रही अपनी डिफेंडर, ये देखो, और भाई डिफेंडर, और जिन लोगों ने डिफेंडर चूज किया था भाई, ये रही आपकी डिफेंडर। चलो भाई डिफेंडर बाय बाय, हम जा रहे हैं लैंड क्रूजर लेके आगे, आप आराम से चिल करो भाई, अभी तक इसका इंजन हीट हो रहा है, देख रहे हो धुआं अभी भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां से डिफेंडर नहीं कर पाई थी, और भाई लैंड क्रूजर को भी दिक्कत हो रही है ऑब्वियसली, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा। लैंड क्रूजर तुम अगर नहीं निकले ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कम ऑन लैंड क्रूजर लेट्स गो गाइस, चीयर करो, 1 2 3 लेट्स गो। नाइस, ये सामने इतना बड़ा पत्थर क्यों है वैसे? बहुत आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है इस गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ओके ओके, इजी 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 इजी, भाई 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 पत्थर है यार, समझो इस बात को। ओके नाइस वन, ओए अटकना नहीं पत्थरों में, अटकना नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं जीत के, इतनी आगे आके नहीं आ सकते भाई। भाई आगे और भी मुश्किल मुश्किल चीजें दिख रही है, देख रहे हो पत्थर कैसे दिख रहे हैं रोड पे, इतना आगे आके मत हारना यार, बहुत बुरा लगेगा। कम ऑन कम ऑन, ओए भाई रोड दिख रही है मुझे, सीरियसली। वैसे हमें रोड से नहीं जाना, हमें यहां से जाना है। अगर इस गाड़ी ने जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो कर लिया तो ये बन जाएगी हमारी विजेता, मतलब विनर। देखते हैं लेट्स गो। अब तो मेरी धक धक बढ़ रही है भाई, मेरे सूसू निकल जाएगा भाई लिटरली। कम ऑन लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर भाई, भाई ये वाला चैलेंज अभी तक का इस चैनल का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज था, जिसको एक ही गाड़ी कर पाई है, टोयोटा लैंड क्रूजर। मतलब भाई मान गए टोयोटा को आज, चैलेंज ऑफिशियली टोयोटा लैंड क्रूजर जीत चुकी। बट एक चीज जो मैं बहुत दिल से करना चाहता था, ये देखो भाई अपन लेके आ चुके हैं फॉर्च्यूनर। यार मुझे भी जानना है कि अपनी इंडियन के द्वारा पसंद की जाने वाली फॉर्च्यूनर कहां तक पहुंच पाती है। तो ये रिजी वैगन, इसको तो ऑब्वियसली गाड़ी बीट कर देगी, बट हाँ स्ट्रगल बहुत कर रही है, चीज मुझे समझ आ रही है। छोटे छोटे टायर है, पावर भी इनफ नहीं है, तो बहुत स्ट्रगल लग रहा है गाड़ी को। बट देखते हैं यार, मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए कहाँ तक पहुँच पाती है फॉर्च्यूनर। और हाँ, आप लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा कि अगर हम ऑफ रोडिंग कराने की कोशिश करें फॉर्च्यूनर से तो किस हद तक कर सकती है। तो अब हम आ गए हैं साइबर ट्रक वाली जगह पे जहाँ पे उसने दम तोड़ा था, और मैं इसको भी पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें उतनी पावर नहीं है। लेट्स गो फॉर्च्यूनर, दिखा दे यार, अगर ये चीज़ तू कर पाई ना तो मान जाएंगे भाई। कम ऑन फॉर्च्यूनर लेट्स गो। यार स्ट्रगल है एक्चुअली, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है क्योंकि इंजन उतना पावरफुल नहीं है ना। तो एक बार ट्रायल लेते हैं पीछे से, और ट्रायल लेने के चक्कर में पीछे का बम्पर जा चुका है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेट्स गो गाइस, एक बार ट्राई करते हैं फुल स्पीड में, मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है, फुल एक्सेलरेटर है, सो लेट्स सी। होप करो फॉर्च्यूनर कर जाए, हम ना यार आई डोंट थिंक ये कर पाएगी, है ना।
वेलकम टू उत्तर प्रदेश में युवा नेता फ्रॉम पतली गली लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज हाथ पे हाथ रख के करता हूँ मैं ग्रिप चेक शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले।